हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूर गाइड। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के ये तो सबको पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक है दार्जिलिंग। दोस्तों आइए इस वीडियो का मेन्यू कार्ड देख लेते हैं पहले, मतलब इस वीडियो में क्या क्या है आप लोगों के लिए वो देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मेन्यू कार्ड है ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, लॉजिंग, फूडिंग एंड बजट एंड ऑल्सो ड्यूरेशन। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को दार्जिलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो एंड तक देखना। और हैं दोस्तों, लाइक तो कर दो। दोस्तों जिन जिन लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ ऑल हिल स्टेशन दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर आना पड़ेगा। आप बाई एयर भी आ सकते हो, सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा। दोस्तों बागडोगरा एंड एनजीपी दोनों जगह से आप लोगों को शेयर कैब मिल जाएगा, तो आप शेयर कैब से दार्जिलिंग जा सकते हो। अगर आप चाहो तो प्राइवेटली कोई कार बुक करके भी दार्जिलिंग जा सकते हो। आपका बजट अगर कम है तो आप पहले सिलीगुड़ी बस स्टैंड पर आइए, वहाँ से आपको दार्जिलिंग जाने के लिए बस भी मिल जाएगा। बस का फेयर लगभग 120 से 130 रुपीस तक एंड दोस्तों शेयर कैब का फेयर पड़ेगा 300 से 350 रुपीस पर हेड। दोस्तों एनजीपी स्टेशन पर बहुत सारे टूर ऑपरेटर हैं, जिन लोग आप लोगों को ललचाएगा उन लोगों के पास जाके कोई दार्जिलिंग का टूर प्लान खरीदने के लिए आप कोई भी बात नहीं सुने वहाँ से निकल जाना। मतलब आप सिर्फ एक शेयर कैब बुक करना या शेयर में दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए वहां से कार लेना। दोस्तों आगे का साइट सीइंग करने के लिए जो कार है ना, वो आप दार्जिलिंग जाके वहां से बुक करो, एनजीबी से नहीं। तो फ्रेंड्स बस एंड शेयर कैब आप लोगों को 4 से 4.5 घंटे में दार्जिलिंग स्टेशन पर पहुंच देगा। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद आपका पहला काम है होटल ढूंढना। आप पहले ही ऑनलाइन साइट से होटल बुक करके रख सकते हो या वहाँ जाके भी होटल ढूंढ सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप पहले ऑनलाइन साइट से होटल बुक कर लीजिए। दार्जिलिंग मेल के आसपास होटल लेना सही होगा। आप स्टेशन के आसपास भी होटल ले सकते हो, बट मेल के आसपास लेना ही सही होगा। अगर आप लोग सुबह एनजीपी से निकलते हो तो दोपहर तक आप दार्जिलिंग पहुँच जाओगे, तो उसके बाद लंच करना एंड उसके बाद थोड़ी रेस्ट करके आप मेल रोड पर टाइम बिताइए एंड वहाँ शाम को आप अगले दिन का जो प्रोग्राम है साइट सीइंग करने का, उसके लिए कार भी बुक कर लीजिए। तो अब अगली मॉर्निंग से आपका घूमने की बारी स्टार्ट। दोस्तों पहले आप जाओगी टाइगर हिल सनराइज़ देखने के लिए। दोस्तों आप लोगों को सुबह 4 बजे तक निकलना होगा होटल से टाइगर हिल जाने के लिए, क्योंकि टाइगर हिल से वापस आने के टाइम आप लोग जाएंगे बतासिया लूप। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप घूम सकते हो दार्जिलिंग रोपवे में। पूरा दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा दार्जिलिंग जू पर। पूरा जू घूम के देखने के लिए 2.5 से 3 घंटा टाइम आपको लगेगा, तो दार्जिलिंग जू पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो आप घूमने के लिए जा सकते हो रॉक गार्डन, हैप्पी वैली टी एस्टेट एंड महाकाल मंदिर एंड टॉय ट्रेन जर्नी। ये सारे जगह देखने के लिए आप लोगों को 2 दिन पूरा टाइम लगेगा। फिर सेम वे आप शेयर कैब में दार्जिलिंग से एनजीपी आ सकते हो। दोस्तों दार्जिलिंग बहुत अच्छे तरीके से घूमने के लिए आप लोगों को 3 डेज टाइम देना पड़ेगा। तो आप बताएं लास्टली बजट कितना होगा। दोस्तों एक बजट चार्ट मैं आप लोगों के लिए कर रखा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों ये 2 लोगों का चार्ट है, मतलब पर हेड 4,500 में एक लोग आराम से पूरी दार्जिलिंग घूम सकते हो। तो फ्रेंड्स घूम के आइए दार्जिलिंग इस समर में एंड आप लोग कमेंट कर सकते हो आपका दार्जिलिंग टूर कैसा गया। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड जो जो फ्रेंड्स नए हो इस चैनल में, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि ऐसे टूर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।